ગુજરાતના આઈપીએસ વિનોદ કુમાર મલ દ્વારા કરાયેલા બુદ્ધસે કબીર તકની યાત્રાનું આયોજનની જાણકારી અને આમંત્રણ આપવા માટે ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદનું અમદાવાદ ખાતે સંમેલન યોજાયું હતું. ભારતમાં બધા જ ધર્મ અને જાતિના લોકો વસે છે અને અલગ અલગ રાજ્યો બધા જ ધર્મ અને સમાજના લોકો એક સાથે વસે છે ત્યારે સર્વધર્મના લોકોની એકતા જળવાઈ રહે તે માટે ગુજરાતના આઈપીએસ વિનોદ કુમાર માલહર દર વર્ષે બુદ્ધને કબીર તક નામની એકતા યાત્રા યોજે. આ યાત્રા લુંબિની, કૃષિનગર, મગહર અને ગોરખપુરમાં પગપાળા યાત્રા યોજાય છે. આ યાત્રામાં સર્વધર્મના લોકો જોડાય છે અને યાત્રામાં બુદ્ધ અને કબીરના મંદિરો અને તેના વિશે માહિતી આપવામાં આવે છે. ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદ દ્વારા અમદાવાદમાં બસતા ઉત્તર ભારતીય લોકોનું સંમેલનનું આયોજન કરાયું હતું ત્યારે આ યાત્રા વિશે જાણકારી આપવા અને આમંત્રણ આપવા માટે યાત્રાના આયોજક વિનોદ મલ આવ્યા હતા અને ઉત્તર ભારતીય પરિષદના હોદ્દેદારો દ્વારા પુષ્પગુચ્છ અને હાર પહેરાવીને તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. વિનોદ કુમાર મલ દ્વારા સમગ્ર યાત્રા વિશે માહિતી આપવામાં આવી અને ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદ દ્વારા આ યાત્રામાં પૂરો સહયોગ આપશે તેવું જણાવ્યું હતું. યાત્રા કા ઉદ્દેશ્ય હૈ કે હમારે દેશ કી જો એક મહાન સાંસ્કૃતિક ઐતિહાસિક પરંપરા રહી હૈ જિસમે અલગ અલગ વિચારધારા, ધર્મો, દર્શન, જીવન યાપન કે અલગ અલગ તરીકે રહે હૈ, સંગીત, સાહિત્ય સબ રહા હૈ, સારે પૂરે આપણી જો પરંપરા હૈ ઉસકો સાથ લેકર કે ચલ રહી હૈ, સચ્ચી ચીજો કો પહેચાને કી. બુદ્ધ, મહાવીર, ગાંધી, કબીર, ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिनके संदेश मानवता के लिए, मानवता के मूल्यों के लिए हैं. उन संदेशों को प्रजा तक ले जाना और जो आज के समाज में थोड़ा सा कहीं कहीं मतभेद और हमें एक पोलराइजेशन दिखता है, ध्रुवीकरण दिखता है, अलग होने की बात दिखती है, आक्रामकता दिखती है, उस आक्रामकता को दूर करना, भाईचारा पैदा करना, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पर लोग जो है मिलजुल करके बातें करें, जात धर्म जेंडर सब छोड़ करके, वो एक हमारा प्रयास है. देखिए यात्रा 4 दिन की है. 14 फरवरी को यात्रा लुम्बिनी से शुरू की जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है, वहाँ पे माया देवी मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध की माँ जी के नाम पे ये मंदिर बना हुआ है, वहाँ से ये यात्रा शुरू होगी. वहाँ से पहले दिन यात्रा भैरवा, सोनौली, नौतनवा होते हुए गोरखपुर आएगी. दूसरे दिन की यात्रा कुशीनगर से शुरू होकर के वहाँ पे बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, वहाँ से रामभार स्तूप से शुरू होगी. वहाँ से कसिया होते हुए भजौली, हाटा, सतवरसा होते हुए महदेवपुर के पुल वहाँ पे गुरुद्वारे में समापन होगा. तीसरे दिन की यात्रा गोरखपुर स्थित प्रेमचंद पार्क से शुरू होगी और वहाँ से शुरू होते हुए बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वहाँ से सैजलवा, कबीर गुरुद्वारा, खलीलाबाद शहर होते हुए मगहर शहर और मगहर में कबीर मंदिर पे उसका समापन होगा जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. आखिरी दिन का कार्यक्रम 17 तारीख का गोरखपुर शहर में यात्रा होगी और यात्रा के बाद दोपहर के बाद में एक सेमिनार का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के साथ किया गया है और यात्रा का विषय है कि बुद्ध, नाथ संप्रदाय और कबीर का भारत की साझी संस्कृति में योगदान और उसके बाद संगीत के कार्यक्रम और नृत्य के कार्यक्रम होंगे और वो संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी कबीर, बुद्ध और ऐसे महाशयों, महानुभावों, महान व्यक्तियों की विचारधारा और दर्शन पर आधारित होंगे. ये देखिए, ये कई स्तर पर लोग जुड़ते हैं. ये तो शारीरिक जुड़ते हैं जो यात्रा में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, कार्यक्रमों में आते हैं, वो उस प्रकार के 50,000 लोग, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वैचारिक रूप से जुड़ना जो लोग मद्रास में हैं, बम्बई में हैं, अहमदाबाद में हैं, उत्तराखंड में हैं, कश्मीर में हैं, कलकत्ता में हैं, लोग जुड़ रहे हैं विचारधारा के रूप में और कह रहे हैं कि आप हम भी ये करना चाहते हैं और यहाँ पे भी ये करने लायक चीज़ है, यहाँ भी इसकी बहुत ज़रूरत है गुजरात के लिए जैसे कहीं. तो इस विचारधारा के लिए के पूरे देश में लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं और भविष्य में मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है, क्योंकि आम प्रजा का प्रेम पर आधारित, भाईचारा और भाईचारे की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मुझे लगता है यात्रा जो है उत्तर भारत के दो संस्कृतियों को जोड़ने की बात, जो समाज में आज झांकियाँ फैली हुई है, धर्म से धर्म को लड़ाने की बात भी चल रही है, जाति से जातिगत को लड़ाने की बात चल रही है, उसके विचारों को एक रूप होने के लिए जो बुद्ध और कबीर की जो संस्कृति है उसके विषय में आदरणीय मल साहब जो बुद्ध से कबीर तक की जो यात्रा का आयोजन किया है उसमें दोनों संप्रदाय के दोनों सभी संप्रदायों को लेकर एक साथ चलने की बात है. हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हमारा मंच जो है मल साहब के साथ है और उनके लिए जो भी बन सकेगा, जितने भी हमारे मंच के कार्यकर्ता इस दौरान उत्तर भारत में रहेंगे वो सभी उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे.
જયેશ પ્રજાપતિ સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ અમદાવાદ.